देश की प्रसिद्ध साध्वी महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाने वाली साध्वी गुरु माँ कंचन गिरी का मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मनसे नेता विलास चौहान, एडवोकेट विशाल सिंह, रितेश सिंह, राहुल सिंह, टीवी पत्रकार रितेश पाठक समेत तमाम माँ के भक्तों ने अंधेरी आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुरु माँ कंचन गिरी द्वारा की जा रही देश सेवा के कार्यों की भी मौजूद लोगों ने तारीफ की। तो इस मौके पर गुरु माँ कंचन गिरी जी, विलास चौहान, एडवोकेट विशाल सिंह, राहुल सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की। इस पर देखिए ये खास कवरेज। देखिए, मुंबई वासियों के लिए मैं यही और सारे हमारे टीम के लिए, सारी टीम के लिए, विशाल जी के लिए और दादा के लिए, विलास दादा के लिए, राहुल, रितेश जितने भी हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इसी तरह जोश भरे रखे और हमारा जो है मुहिम वो इसी तरह से बुलंदी पे जाएगा और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र पहले भी था और आज भी है, केवल हम लोग एक जब तक घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक मन में बेचैनी सी रहेगी। और सारे युवा टीम जब हमारे साथ खड़े होते हैं तो चार गुना जो है हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि युवा जो है हमारी हमारा भविष्य है। मुंबई दौरा कितने दिन का है? मैं 12 को यहाँ से रवाना हो जाऊँगी इंदौर के लिए, फिर महाकाल जाऊँगी वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो अभी 3 दिन का दौरा है मुंबई का। जैसे कि मैं पहले भी जब पिछले बार मुंबई आई थी तो एक घोषणा करके गई थी कि लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा के आऊँगी, और वो पूरा किया। तो ऐसे कई सारी मुहिम चलाती हूँ जो मेरा संकल्प होता है और संकल्प को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। रघुपति रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो मैं वचन देती हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मुंबई जब आती है आप तमाम आपके अधिकारियों से, राजनेताओं से मुलाकात होती है, तो क्या इस बार किन किन लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी? इस बार भी राज साहब ठाकरे से मुलाकात होगी हमारी, मैं मिलूंगी और उनको फिर से निमंत्रण दूंगी अयोध्या आने के लिए, क्योंकि प्रयास इंसान को करते रहना चाहिए और उनको बिल्कुल आना चाहिए। इस बार कोई रुकावट नहीं आएगी और अयोध्या उनको बिल्कुल आना चाहिए, अयोध्या नगरी फिर से उनको स्वागत करेंगे। आपने अयोध्या का जो जिक्र किया, पिछली बार भी अयोध्या को लेकर जो अटकलें आ रही थी आसाम, देखिए बहुत आपने काफी आमंत्रित किया था कि नहीं आप आइए हम आपका वेलकम करेंगे। देखिए, हमने पूरा प्रयास किया था, यहाँ तक कि पीएमओ में लेटर भी दिए कि किसी को भगवान के दर्शन से किसी को नहीं रोक सकते। राजनीतिक अपनी जगह है और धर्म स्थान अपनी जगह है, सबका अधिकार है कि वो भगवान श्री राम जी का दर्शन करे, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो दानव ही कूद सकते हैं इसमें, देवता और मनुष्य का मिलन में दानव ही खलन डालता है, तो दानवों की कमी नहीं है। दानव रूपी से मुहिम भी ली, अब दानव से टक्कर भी लिए हम पूरा, जितना एक मतलब हमें यहाँ तक कह दिया कि ऐसी साध्वी बहुत देखे हैं, तो जो हमने उसको जवाब दिया तो उसके जवाब उसके पास नहीं था। जिसकी जो दीवार है फिरौती सी खड़ा हो, जिसके हाथ खून से रंगा हो, वो क्या जाने संतों का सम्मान। मुंबई वासियों के लिए, मुंबई के लिए आप क्या संदेश है, क्या मैसेज है? तमाम कार्यकर्ता भी आपका स्वागत करते हैं। देखिए सभी, आज का दौर वो आ गया कि सबको एक करके और हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ें, वही सबसे बड़ी आज की जरूरत है समाज को। और विशाल जी हैं, रितेश जी हैं और राहुल जी हैं, विलाल दादा हैं, ये लोग सभी लगे हुए हैं। राज साहब ठाकरे भी, मतलब पूरा उनका तो वो, मैं तो उनको हिंदू सम्राट ही कहती हूँ, क्योंकि काफ़ी हिंदुत्व के लिए सोचते हैं। तो मेरे को, मैं बार बार उनको साधुवाद देती हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आज देख रहे हैं आप, किसी को अटैची में काट के 4 टुकड़े फेंक रहे, किसी को 56 टुकड़े किए जा रहा है। तो ये सब क्या है, लफ्ज़ जिहाद का इस तरह से फैला हुआ है पाँव, आप देख ही रहे कि कितना ज़्यादा क्या क्या हो रहा है समाज में। तो इसलिए अब हमारे युवाओं को, हमारे सनातनियों को जागने का समय है। पहले बात तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा कि इस महाराष्ट्र के पावन धरती पे गुरु माँ जी का चरण फिर से पड़ा है, और हम सौभाग्य और यहाँ के युवा जितने भी सेना है, महाकाल की सेना है, और हमारे जितने भी मन से साथी हैं, सभी गुरु माँ के
लेने के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पर उपस्थित हुए हैं। और जो गुरु माँ का संकल्प है और जो इस हिंदू राष्ट्र को लेके जो मुहिम चल रही है, वो हिंदू राष्ट्र को लेके उस मुहिम को हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो हमारे से हमारी युवाओं को हमारी पीढ़ियों को जो जिसकी ज़रूरत है, वो कैसे आगे उसकी कार्रवाई होगी, कार्यकृत किया जाएगा, कैसे शांति व्यवस्था स्थापित हुई रहेगी, और जो हमारे जो आलोचन करते हैं, हमारे पर छींटा कसीस करते हैं, ऐसे समाज के लोगों को भी हम एक आने वाले समय में जवाब भी देंगे कि आप यहाँ पे रह के हमारी बात ना करते हुए आप दूसरे राष्ट्र की बात करते हैं, ये तो हम ज़रा भी सहन नहीं करेंगे। इस बात को आपको भी बदलना ही पड़ेगा, और जो हमारा मूल अधिकार है यहाँ पे, वो हम अगर ना बोल पाएँ तो ये तो हमें लगता है फिर भारत में रहने का हम जैसे फिर युवाओं का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये गुरु माँ से बस यही आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और गुरु माँ के कर्म चलनों पे आदेशों पे हम उसका पालन करते हुए उनकी जो भी इच्छा है उसको पूरी तरह से करेंगे, और समाज को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए, और यहाँ के सुख शांति समृद्धि को बढ़ाते हुए हम युवा जो भी कार्य रहेंगे करेंगे। और विलास दादा जी हमारे साथ में ही हैं, पूरे मन से कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं, तो इसी की वजह से ये कारवां हमारा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। बस गुरु माजींच्या आशीर्वादामुळे आज आम्हाला इथे त्यांना रिसीव करू शकलो, हाच आमचं मोठं सौभाग्य आहे। आणि त्यांची जी स्वप्न आहेत आणि राष्ट्रपतींचे जे स्वप्न आहे, हे सर्व पूर्ण लवकरात लवकर होईल अशी माझी आशा आहे। थँक्यू। आज हमारा युवाओं का, जितने भी हमारे सब युवा टीम है, गुरु माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम बहुत सौभाग्य अपने आप को समझते हैं, और आगे गुरु माँ का जो भी आदेश होगा उनके मार्गदर्शन में महाकाल सेना और हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी प्रयास हम अपने लेवल पे अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं गुरु माँ के आदेश से, गुरु माँ के मार्गदर्शन में, हम ज़रूर उसको निभाएंगे। ये संकल्प लेते हुए, गुरु माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम ये चीज़ आगे बढ़ेंगे।